is an open source library used for data analyzations, data visualizations, statistics के purpose से use करते हैं mostly in the sectors या domains आप बोलो, ठीक है? तो domains और sectors आप you can say finance sector, economics, statistics, analytics sector हो गया, ठीक है? तो इन जगहों पर it is used mostly, ठीक है? तो its purpose is just to determine the data, analyze the data first of all, okay? और there is a prerequisite used for this library, वो है NumPy, ठीक है? तो आपको NumPy पता होना चाहिए pandas पढ़ने के लिए. ओके, चलो. तो कुछ टूल्स होते हैं, कुछ lot of functions हैं जो आपको पता होना चाहिए NumPy का, क्योंकि you will be dealing with the arrays here, ठीक है? सारे के सारे जो भी आपके पास आएंगे वो सब arrays ही होंगे. Let it be, और pandas में you will be dealing with one dimension, two dimension, ठीक है? तो two dimension will be called as a data frame and one dimension will be called as series, ठीक है? तो एक open source Python library है which provides high performance data manipulations and analysis, ठीक है? चलो, और इसको use क्यों करते हैं? What are the features? अगर बोले तो comparatively Excel के accordingly या किसी भी dominant software के accordingly it's fast and efficient, ठीक है? और क्यों? क्योंकि data frame object की वजह से, ठीक है? और customized and default indexings available है आपके पास. Okay, and there are tools for loading data into memory data objects. Okay, so let's see this. टाइम सीरीज का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस होता है पैंडास में. तो पैंडास में मोस्टली व्हाट यू गो थ्रू इज सीरीज एंड डेटा फ्रेम्स, ठीक है? तो सबसे पहले विल राइट इंपोर्ट पैंडास एंड चेक द वर्जन. तो कैसे इंपोर्ट करेंगे? पीडिंग या व्हाट एवर यू वांट यू कैन गो थ्रू अकॉर्डिंगली, ठीक है? और इंपोर्टिंग के बाद यू कैन गो विथ वर्जन, तो 1.1.3 आ रहा है. आप अपडेट भी कर सकते हैं उसको, ठीक है? तो दिस कैन बी अपडेटेड, क्विक गाइड पे जाके एक बार चेक कर लेना और अपडेट कर लेना इसको, ठीक है? चलो, तो डायमेंशंस मैंने क्या कहा कि यू हैव टू काइंड ऑफ डायमेंशंस हियर, यू विल बी वर्किंग ऑन सीरीज एंड डेटा फ्रेम दैट इज अबाउट वन डायमेंशन एंड टू डायमेंशन. तो डिस्क्रिप्शन में यू विल बी राइटिंग सीरीज, अगर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सीरीज so we will talk in detail with this. So series ko we'll say 1d labeled homogeneous array and size are mutable, theek hai? Aur bhi detail pe jayenge, theek hai? To abhi aap log sab apne apne laptop ke sath hai ya anyone is connected with mobile? लैपटॉप के साथ है ना? सबके साथ ओपन है जुपिटर या जिस पे भी आप जो भी इंटरफेस पे काम कर रहे हैं? यस सर. चलो, तो सबसे पहला टेबल जो है अभी विल क्रिएट, ठीक है? क्रिएट करते हैं, म्यूचुअबिलिटी पे
डिस्कस करेंगे क्या होता है मैचेबिलिटी, ठीक है, सीडीज, हाउ इट वर्क्स, डेटा फ्रेम जो होते हैं उनके की पॉइंट्स क्या हैं, ठीक है। तो नॉर्मली एक छोटा सा एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। तो एक डिक्शनरी क्रिएट करते हैं पहले और उसके बेसिस पर एक छोटा सा टेबल विल क्रिएट, ठीक है। चलो तो व्हाट आई एम राइटिंग, प्लीज डू राइट इट। For series, I'll be giving you dimensions. So this way we'll be working. So, 1 minute. तो पर्टिकुलरली आपको एक अभी डिक्शनरी क्रिएट करना है जिसमें, या आप पहले से एक डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट कर लो, डेटा एसटीआर क्रिएटिंग, ठीक है। आप देखो किस तरह से क्रिएट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट अभी इसको आप क्रिएट करके पहले चेक करोगे कि रन हो रहा है कि नहीं, क्योंकि पैंडास किसी किसी में रन नहीं होता है सक्सेसफुली, राइट। तो सबसे पहले एवरी वन विल रन दिस फंक्शन, ओके, देन विल बी प्रोसीडिंग। तो डेटा एसटी ले लेते हैं, सीरीज, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन टू काइंड, तो मैं टू काइंड की ही बात करूंगा क्योंकि देर इज थर्ड वन ऑल्सो, दैट इज कॉल्ड एज पैनल्स। पैनल्स होता है यू वर्क विथ 3D साइज, ओके, 3D लेबल्ड साइज म्यूजिबल एरेज, ओके। वी विल बी वर्किंग ऑन डेटा फ्रेम, तो विल टॉक अबाउट ओनली सीरीज एंड डेटा फ्रेम्स। विद द डायमेंशंस वी हैव 1 and 2, we have the descriptions, so I'll write 1D labeled homogeneous array and size mutable, I'll write size, yeah sirf m likh de raha hu, identify ho jayega na aap logo se koi problem hai kisi ko, and a data frame will be general 2D labeled array. Okay. With a hetero genius type columns, ठीक है। ओके, तो यू विल क्रिएट द डायमेंशन, नहीं तो आपको तो डेटा आपने क्रिएट किया है, डेटा हो जाएगा आपका एक डिक्शनरी, वेयर विल बी हैविंग डेटा स्ट्रक्चर। आप भी ऐसा क्रिएट करो, है ना, डेटा स्ट्रक्चर में विल राइट डेटा अंडरस्कोर एसटी गिव अ कॉमा, नॉर्मल डिक्शनरी जैसे क्रिएट करते हैं, विल क्रिएट डायमेंशंस, डायमेंशंस विल बी हैविंग, टैब का यूज करना, ठीक है, जितना आप टैब यूज कर सको इज बेटर, क्योंकि जो बड़े बड़े वर्ड्स है यू डोंट नीड टू राइट, जैसे वेरिएबल्स आपने डिफाइन किया तो उसको दोबारा नहीं लिखना है, टैब प्रेस करो, इट विल वर्क। डिस्क्रिप्शन, ओके, तो अभी व्हाट विल डू, विल क्रिएट अ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि
उसके बेसिस पे फिर आपके बाकी कोर्सेज भी डिपेंड होते हैं एक पर्टिकुलर लाइब्रेरी पे। तो क्रिएट अ डेटा फ्रेम विद द गिवन डेटा। अब आपका डेटा क्या है, आपने जो क्रिएट किया विद और विद द क्रिएटेड डेटा आप बोलो, ठीक है। तो पी डी डॉट डेटा फ्रेम, आपको एक टैबुलर शीट डेटा क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पर आपका डेटा का नाम क्या है, डेटा ही है, ठीक है। तो इट्स डेटा इवन, अब इसको रन करेंगे तो विल गेट अ डेटा फ्रेम वेयर यू हैव डेटा स्ट्रक्चर डायमेंशंस एंड द डिस्क्रिप्शंस, ठीक है। इनको एक बार आप कर लो जल्दी से, प्रिंट हटा दो, इट वुड वर्क विदाउट प्रिंट बेटर। चलो इसको करो जल्दी से सब करके, फिर इधर चैट बॉक्स में आप लिखो अगर हो गया है यस, और कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो यहाँ पे बताओ मुझे जल्दी से बताओ। कितने लोगों का हो गया सर? हो गया, रन हो गया ना? यस सर। कौन सा वर्जन चल रहा है तुम्हारे में? सो 0.24.2। 0.24.2, हाँ 0.24.2। हमारे में क्या चल रहा है? 1.1.3 अपडेट कर देना उसको। ओके सर। बाकी लोगों का क्या स्टेटस है? जल्दी जल्दी दिखा। सर एक चीज पूछनी थी, जैसे हमने रिएक्टेंट्स में थोड़ी सी ये लाइन हमारी लंबी हो गई, मतलब विद हेटरोजीनियस टाइप कॉलम्स, तो वो हमें आगे दिखाई नहीं दे रहा, बट हम चाहते हैं कि वो भी हमें दिखाई दे, तो हम क्या इसके डायमेंशन, मतलब जो इसकी विड्थ और ये सब है, इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं क्या डेटा फ्रेम की? क्या बोल रहे हो, ये जो विड्थ नहीं दिख रहा है यहाँ पे, देखो फिर उसके लिए यू नीड टू प्रिंट द वैल्यू, तो उसके वैल्यूज को प्रिंट करना पड़ेगा। अगर पर्टिकुलरली सिर्फ उसी का वैल्यू चेक करना है ना, तो आप प्रिंट करके या इंडेक्स करके देख सकते हो जहाँ नहीं दिख रहा है।
ये, अच्छा, मतलब हमें हाँ इसकी वेट सेट करने का कोई वो ऑप्शन नहीं है कि हम इसकी वेट और साइज सेट कर सकें टेबल का, नहीं, डेटा टेबल डेटा तो फ्रेम? नहीं, टेबल तो वैसे क्रिएट हो गया ना, तो उसके विड्थ को नहीं चेंज करेंगे। ओके ओके सर। बाकी लोग वहां तक के जल्दी जल्दी करो। हो गया सर। अच्छा हो गया क्या? मैं तो शब्द यहाँ टेक्स्ट बॉक्स में लिखो जिसका जिसका हो गया। जल्दी जल्दी बताओ। ये बताओ तो फिर आगे बढ़ते हैं। क्षितिज का हो गया, पार्श्व का हो गया, जल्दी करो। हाँ एक अनरिलेटेड चीज पूछनी थी। हाँ बोलो। ये सर आप हेडिंग कैसे डालते हो? अच्छा, ये हेडिंग्स आते हैं, आप एक्स एस्केप होता है ना एकदम टॉप लेफ्ट में, हाँ जी, हाँ एस्केप प्रेस करके आपको अगर जैसे एचटीएमएल में पढ़ा है ना, हेडिंग वन, हेडिंग टू, हेडिंग थ्री, हाँ हाँ तो हेडिंग वन चाहिए तो वन प्रेस करना तो वन हैश टैग आएगा, हेडिंग टू चाहिए छोटा हेडिंग चाहिए तो एस्केप टू, फिर एस्केप थ्री या छोटा चाहिए तो ऐसे आप सेट कर सकते हो। ठीक है, या तो आप यहाँ से भी जा सकते हो, ये जैसे सेल होता है नॉर्मल सेल, तो सेल को क्लिक करके कोड पे जाके मार्कडाउन कर सकते हो या हेडिंग कर सकते हो, फिर आप वहाँ समझ पे गया है सर। ना, जैसे ये बता रहा है ऐसा ऐसा आता है, वो शॉर्टकट है। ओके ओके थैंक यू सर। अरे हो गया, बाकी लोगों का आगे बढ़े। चलो तो सीरीज को डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है? मैं चलो तो बाकी लोग तब तक करो, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सीरीज का, फिर नोटबुक आप लोगों के लिए बाद में अवेलेबल रहेगा। तो सीरीज का फर्स्ट मेन डेटा टाइप है ये पैंडास का, ठीक है? सबसे मेन डेटा टाइप होता है, क्योंकि आगे आप जब डेटा फ्रेम पे काम करोगे तो वहां पे बंच ऑफ सीरीज आते हैं, ठीक है? तो सीरीज इज वेरी सिमिलर टू नंपाई एरे, मैं लिख ही देता हूँ, बाकी लोग तब तक लिख रहे होंगे। अच्छा आप लोग ये देखो, या तो सबसे बेटर मैं यहाँ से कोड कॉपी कर रहा हूँ और पेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग पेस्ट करके चेक कर लो कि वो रन हो रहा है कि नहीं, थोड़ा सा इंडेंटेशन चेक कर लेना, नहीं तो फिर उसमें एरर आएगा। कोड पेस्ट किया हूँ, आप लोग चेक कर लो जिनका नहीं हुआ है। तो इट इज वेरी सिमिलर टू, मैंने क्या कहा, नंपाई एरे। इनफैक्ट आप बोल सकते हो इट इज बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ द नंपाई एरे ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो व्हाट डिफरेंशिएट्स द नंपाई एरे फ्रॉम अ सीरीज इज दैट सीरीज हैव एक्सिस लेबल्स, ठीक है? तो यहाँ पे मैं सिर्फ की पॉइंट्स लिख रहा हूँ, तो आप बोल सकते हो कि व्हाट डिफरेंशिएट्स by array from the series is that in series have excess labels। हमने वहां एक्सेस इक्वल्स टू 1 0 ऐसा लिखते थे ना, मीनिंग होता है ये कि इट कैन बी इंडेक्स्ड बाय अ लेबल इंस्टेड ऑफ अ नंबर लोकेशन, जैसे हम लिखते थे ना 0 1 2, ठीक है? तो समझ में आ गया ना कि एक
सिर्फ नंबर्स के अकॉर्डिंगली उसको छोड़ करके हम नेम से भी इंडेक्स कर सकते हैं, वो देखेंगे कैसे करते हैं, ठीक है। तो इट डज नॉट नीड टू होल्ड न्यूमेरिक डेटा, इट कैन होल्ड एनी आर्बिट्री पाइथन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो वी कैन राइट दैट इट कैन होल्ड एनी आर्बिट्री पाइथन ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलो तो सम ऑफ द एग्जांपल्स, बाकी लोगों का हो गया लिखना, रन सबके में रन किया। चलो तो हमने इंपोर्ट कर लिया ना, तो हमको numpy भी रिक्वायर है और pandas भी रिक्वायर है। तो नाउ विल क्रिएट सीरीज, तो आप एक numpy array, एक dictionary, एक list, एक tuple, you can create in series. कैसे? लेट्स से मैंने दिया लेबल्स इक्वल्स ए बी सी, मैंने दिया माय लिस्ट, अगर कोई लिखना चाहे तो लिख भी सकता है, या तो मैं कोड पेस्ट कर दूंगा, आप लोग साइमल्टेनियसली रन भी कर सकते हो। ठीक है, चलो तो हम एक सिंपल सा भी एग्जांपल ही ले रहे हैं। ठीक है, अभी ये क्लियर हो गया। तो चलो अभी लेट्स से कि यूज कर रहे हैं क्या, लिस्ट को यूज कर रहे हैं। तो लिस्ट को यूज करके कैसे करेंगे, pd डॉट सीरीज कैपिटल एस लिखना है, ठीक है। डेटा क्या होना चाहिए आपका, तो अभी लिस्ट यूज करेंगे तो क्या लिखूंगा, माय लिस्ट। आप टैब यूज करोगे, ठीक है, एंटर करोगे तो यू विल गेट 10 20 30 लेफ्ट हैंड साइड में 012 डेटा टाइप इंटीजर ऑफ 64 बिट्स। अब मुझे बताओ एरे हमने पहला सॉरी एरे हमने पढ़ा है ना, तो एरे में ऐसे ही आता है ना एलिमेंट्स 10 20 30, अभी इंडेक्स नंबर आपको यहां पर दिखा रहा है लेबल्स के साथ, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एरे एंड सीरीज। अभी इन इंडेक्स नंबर्स को मैंने क्या कहा कि लेबल्स के एक्सेस पे हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, है ना, या लेबलिंग इज मच फार बेटर देन द एरे। तो कैसे करेंगे, pd डॉट सीरीज, ओके तो pd डॉट सीरीज, ठीक है, तो हमको करना है माय लिस्ट, मैंने दिया माय लिस्ट, अब मैंने लिखा लेबल्स, तो लेबल्स इज इक्वल्स टू, लेबल्स का हमने वैल्यू दिया तो इक्वल्स नहीं देना है, चलो तो लेबल्स हमने रख के रन कर दिया, तो क्या हो जाएगा, लेबल्स के वैल्यूज क्या थे, ए बी एन सी, तो 012 की जगह पे क्या आ जाएगा, ए बी एन सी, समझाई बात, ठीक है। अब numpy arrays पे कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो भी सिंपल है, तो numpy arrays में अगेन सिंपल सा, देखो सीरीज में कन्वर्ट करना है तो यू जस्ट नीड टू राइट pd डॉट सीरीज, numpy array है आप लिख दो डेटा arr है, आप डेटा इक्वल्स टू करके भी लिख सकते हो बिकॉज़ इट इज अ बाय डिफॉल्ट पैरामीटर, तो कोई उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप जस्ट नॉर्मली रन करके भी चेक कर सकते हो। तो numpy array में भी वी हैव 10 20 30 और numpy array के साथ भी यू कैन लेबल,
pd.cds. Okay, array tables. So basically labels क्या उसका indexing value change करने के काम आ रहे हैं क्या? हाँ, labels से आप index values नहीं, index आप बोलो index जैसे zero से start करते हैं ना, तो index values नहीं बोलते, index change कर देते हैं। ठीक है। ठीक है। हाँ। और dictionary जब dictionary use करते हैं ना, ठीक है? डिक्शनरी यूज करेंगे तो डिक्शनरी में आप लेबल्स नहीं दोगे, क्योंकि डिक्शनरी में क्या बोलते हैं, यू हैव कीज, है ना, तो कीज जो होते हैं वही आपके लेबल्स होते हैं। ठीक है, तो वी विल राइट पीडी डॉट सीरीज, और यहां पर डेटा अगर मैंने क्रिएट किया डिक्शनरी तो मैं सिर्फ लिख दे रहा हूं डी, देखो एबीसी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो आप कोई भी डिक्शनरी क्रिएट किए होगे, उसका हमने अगर डेटा फ्रेम क्रिएट किया तो देखो हमने लेबल्स वेल्स कुछ नहीं दिया, डायरेक्टली आ गया। ठीक है, इतना तक देख लो, किसी को कोई डाउट आ रहा है ये? अच्छा, मैं इसको कॉपी करके ना पेस्ट कर देता हूँ, तो आप लोग यहाँ से एक बार रन करके चेक कर लो, एक सिंपल सा सीरीज क्रिएट कर लो। हाँ, एक चीज पूछनी थी। हाँ। मैंने क्या किया, आपने जैसे यहाँ पे लेबल्स को पहले लिख रखा है। हाँ। मैंने लेबल्स को बाद में लिखा, मतलब पहले लेबल्स लिखा फिर माइलस लिखा सेम कोड में, पीडी सीरीज एंड ब्रैकेट में मैंने लेबल्स लिखा फिर माइनस लिखा, तो पहले 10 20 30 प्रिंट हो रहा है, उसके सामने एबीसी प्रिंट हो रहा है और डेटा टाइप उसको ऑब्जेक्ट बता रहा है, तो ये किस तरह से मतलब वैल्यूज को ले रहा है कि पहले एबीसी लिख रहा है फिर 10 20 30 और पहले 10 कहां पे बोला तुमने? हां यही से, डिक्शनरी से जस्ट पहले, डिक्शनरी से जस्ट पहले ये। यस सर, इसमें एक बार आप लेबल्स में ही रहने दो और ARR को लेबल्स के बाद में लिख दो कॉमा लगा, लेबल्स को ऐसे ही रहना दो, और क्या बोला तुमने? इसको ARR को लेबल्स के बाद में लिख दो। अच्छा, ऐसा। हाँ, तो अभी किस तरह से ले रहा है ये चीज? अभी ये इस तरह से ले रहा है कि सबसे पहला सीरीज में सबसे पहला पैरामीटर होता है डेटा, तो आपने डेटा लिख दिया क्या, लेबल्स, तो लेबल्स क्या है, एबीसी है, आ गया। अब लेबल्स की जगह आपने क्या दिखा, पैरामीटर ARR, तो एरे क्या है, 10 20 30 है, तो वो आ गया इंडेक्सिंग में। देखो मैं बता रहा हूँ, इसका बाय डिफॉल्ट पैरामीटर्स ऐसा है, यहाँ पे लिख देते हैं, इधर गया, इधर लिखूं किधर लिखूं, ये ऐसा चलता है pd.series, पहले आपका डेटा आता है, ठीक है, डेटा आने के बाद आप लिखते हो लेबल्स, लेबल्स भी होता है, फिर आप जाते हो नेम पर, ठीक है, डेटा टाइप पर, ये सारी चीजें होती है, तो आप जैसा लिखोगे वैसा आ जाता है। ठीक है, आप या तो आई थिंक हेल्प आता है, इस पे कुछ मिला हेल्प? हाँ, हेल्प ऑन क्लास वन डायमेंशन। हाँ देखो आपको क्या, अच्छा कॉपी भी है। हाँ, तो इंडेक्स आता है, आप इंडेक्स चेंज कर सकते हो,
लेबल्स आपने दे दिया, इंडेक्स इक्वल्स लेबल्स, ये जो लेबल्स देख रहे हो ना, ये लेबल्स, ये मेरा मतलब यही है कि आप यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू चेंज कर रहे हो, ठीक है, इसको इंडेक्स समझ लो। तो आप कैसे देखो, पैरामीटर्स क्या दिया है, डेटा टाइप, और एक किसी भी सेरे को आपको लिखना है, ये आगे देखेंगे बाकी सारे पैरामीटर्स, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे वैल्यूज को स्वैप करोगे ना, तो उसी के अकॉर्डिंगली वैल्यूज मिलेंगे आपको, समझ आई बात? यस सर। चलो आगे देखते हैं। तो डेटा इन सीरीज होता क्या है? अच्छा, तो पैंडा सीरीज कैन होल्ड वी कैन से अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी तुमको ऑब्जेक्ट बताया था क्या टाइप, ये जो ऑब्जेक्ट दिखा रहा है, ये ऑब्जेक्ट इसलिए दिखा रहा है क्योंकि देखो पैंडास में यू हैव नंबर्स, ठीक है, अब दैट कैन बी इंटीजर, दैट कैन बी कॉम्प्लेक्स, बुलियन है तो बुलियन बताएगा, और फ्लोट है तो फ्लोट बताएगा, ठीक है। इन सब के अलावा अगर कुछ और आता है, लेट इट बी एनी स्ट्रिंग या कैरेक्टर्स पर्टिकुलरली बोल दें, तो कैरेक्टर्स, इफ कैरेक्टर्स कम तो आपको ऑब्जेक्ट बताया जाएगा, ठीक है। तो डेटा टाइप आपका ऑब्जेक्ट आएगा वहां पर। तो मैंने लिखा pd डॉट, जैसा अभी आपने कहा, फॉर एग्जाम्पल लेबल्स दे दिया तो लेबल्स का ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। अब इवेंट फंक्शंस आप ऑल दो लाइक जैसा नम में पढ़ा है, ठीक है, जैसे आपने लिखा pd डॉट सीरीज ऑफ, कुछ दे दिया हमने पैरामीटर्स, सम प्रिंट और ले, तो क्या आ गया, अच्छा एक मिनट, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, कॉमा, तो क्या बता रहा है, पहला बिल्ट इन फंक्शन है सम का, दूसरा बिल्ट इन फंक्शन है प्रिंट का, तीसरा बिल्ट इन फंक्शन है लेंथ का, तो ये ऑब्जेक्ट्स हैं, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो इंडेक्स कैसे यूज करते हैं, so the key to use series is to understand indexing, ठीक है। तो pandas makes use of ये जो index हम use करते हैं, right, so pandas use the index names or the numbers by allowing you for fast lookups to your data या information जो भी आप बोलेंगे, ठीक है। तो you can grab informations from a series, ठीक है। तो let's see if we create two series how we grab informations from there. So let's say series 1 is equals to pd dot a series, and I say 1, 2, 3, and 4. I give my index values and I write, let's say, okay, this is my series 1. If I check my series 1, so this is like this, right? So left hand side पे आपके index numbers आ गए, और right hand side पे जो भी आपने data दिया वो data print हो गया, ठीक है। Let me copy this series 2, ठीक है, थोड़ा change कर देते, 1, 2, 5, 4 दे देते, slide change किया हूँ एकदम से। तो अभी आप टैब का यूज करोगे ना, तो टैब यूज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप वेरिएबल्स बहुत सारे यूज करोगे, और सारे फंक्शंस का नेम एग्जैक्टली लिखना इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो आप टैब यूज कर लो, ज्यादा बेटर है। सीरीज 2, यूएसए, जर्मनी, इटली एंड जापान, ठीक है। अब देखो मुझे इंडेक्सिंग करना है अगर, ठीक है, सीरीज 1, तो मुझे देखना है कि फर्स्ट नंबर पर क्या है, या इफ इट इज अ सीरीज, इफ आई वॉन्ट टू लुक दैट वट इज देयर इन यूएसए, राइट, सो व्हाट आई विल राइट, सीरीज ऑफ यूएसए, सिंपल इंडेक्सिंग, अच्छा सीरीज 1 और सीरीज 2, वट एवर इट इज, सीरीज 1 ऑफ यूएसए, तो क्या लिखा 1, ठीक है। तो वैसे ही आप सिमिलरली कैसे निकाल सकते हो, सीरीज 2 ऑफ, लेट्स से इटली, फाइन, समझ में आ रही बात,
तो इंडेक्स के बेसिस पे ऑपरेशंस भी चलते हैं, कैसे चलते हैं, जैसे मैंने लिखा सीरीज वन प्लस सीरीज टू, रन किया। अब मुझे बताओ क्या आया वैल्यूज, देखो जर्मनी में कितना आया वैल्यू 4.0, क्यों? सीरीज वन में मेरे पास जर्मनी था 2, सीरीज टू में मेरे पास जर्मनी था 2, तो 2 प्लस 2 कितना हो गया आपके पास 4.0। इटली में क्यों नया आया, क्योंकि इन सीरीज टू यू हैव इटली, इन सीरीज वन यू डोंट हैव इटली, तो यू कैनॉट कंबाइन टू इन डिफरेंट इंडेक्स, ठीक है, तो टू डिफरेंट इंडेक्स को आप कंबाइन नहीं कर सकते, ठीक है, तो इटली में आपके पास नया आया क्योंकि आपके पास सेकेंड में है लेकिन फर्स्ट में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जापान का वैल्यू भी 8.0 हो गया क्योंकि जापान यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, ओके। यूएसएसआर इज नॉट देयर इन सीरीज 2, तो आपको यहाँ 9 मिला, बाकी यूएसए 2.0, कोई डाउट? और अल्फाबेटिकली आपको ऑर्डर करके आता है, एनी डाउट्स ऑपरेशंस के बाद, ठीक है। नॉर्मल सीरीज आप जैसा लिखोगे वैसे ही प्रिंट होगा, लेकिन इफ यू डू एनी ऑपरेशंस तो ये ऐसा ही आएगा, कोई दिक्कत है? इंडेक्स कैसे ऐड हो सकते हैं? या इंडेक्स ऐड कहाँ हो रहा है, मतलब ये सर इंडेक्स ही तो हुए ना ये? नहीं, अरे ये वेबसाइट के इंडेक्स है, ठीक है। आपने क्या किया, सीरीज वन प्लस सीरीज टू किया, समझ में आ रही है? हाँ जी, ठीक है। आपके जो वैल्यूज हैं राइट साइड में वो ऐड हुए हैं। अब इसने बोला ये कि इटली को 9 इसलिए रखा क्योंकि इधर पे 5 है और इधर पे कुछ नहीं है। हाँ ठीक है सर, है ना, तो अगर वहाँ पे कुछ नहीं है तो मैंने नंपाई में बताया था ना, जब नहीं रहता है कुछ तो ऐड कैसे करोगे, है ना, तो वो 9 आएगा, नॉट अ नंबर। यस सर, ठीक है, तो ये वही आया, आपको 9 देकर गया है कि ये नॉट अ नंबर, तो इटली का इंडेक्स नंबर पे बता रहा है कि इट्स नॉट अ नंबर। अब आप जो भी करो इसमें सबट्रैक्ट करोगे तो सबट्रैक्ट भी काम करेगा, सीरीज वन माइनस सीरीज टू सब काम करेगा, सिर्फ ये दो 9 रह जाएंगे। अब इन 9 को अवॉइड करना है तो कैसे करोगे, ठीक है, इस पर फिर वही आप नंपी का नेगेशंस लगा दो या जैसा, आगे देखेंगे, ये डेटा प्रिंसिपल आएगा कि इसको कैसे करते हैं। ओके सर, ठीक है, कोई डाउट अभी तक में, कोई डाउट हुआ क्या? नो सर, डाउट नहीं रखना अभी तक जितना किया, किसी को कुछ दिक्कत हो रहा तो पूछ लो, ठीक है। तो पूरे पैंडास में विल स्टडी अबाउट सीरीज डेटा फ्रेम्स मिसिंग डेटा ग्रुप बाय फंक्शंस मर्जिंग जॉइनिंग एंड कॉन्कैटिनेटिंग ऑपरेशंस ऑन द सीरीज एंड डेटा इनपुट्स एंड आउटपुट्स, ठीक है। तो आज हमने जितना पढ़ा आई थिंक इतने में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तो बता दो जल्दी से, सीरीज वन सीरीज टू सीरीज क्रिएट करना, उसके बाद ये जो इसमें कोई डाउट नहीं है ना, सम प्रिंट एंड लेंथ में क्या हो गया? चलो ठीक है, तो इस पे कोई डाउट नहीं है सब, तो सीरीज के सारे डायरेक्टरीज आप देख लो एक बार, सेम डेटा फ्रेम्स के भी हैं, तो ये सारे फंक्शंस आते हैं सीरीज में, ये जितना लिखा है यहाँ, ठीक है। तो ये सारे हम डेटा फ्रेम्स पे पढ़ेंगे, यही सेम फंक्शन सीरीज पर भी काम करते हैं, ठीक है। दो सीरीज का वैल्यूज है आपके पास, तो जैसे ले लिया मैंने सीरीज थ्री, तो सीरीज थ्री को मैंने ले लिया पी डी डॉट सीरीज। अब मैंने डेटा डिफाइन यहाँ करना ऐसा कि एन पी डॉट रैंडम डॉट, अब रैंडम डॉट रैंडम ले ले रहा हूँ मैं, रैंडम ऑफ 5 नंबर्स, ठीक है, सीरीज 4 इक्वल्स पी डी डॉट सीरीज, मैंने लिया एन पी डॉट रैंडम डॉट रैंडम और यहाँ भी लिया 5। तो सीरीज 3 एंड सीरीज 4 बोथ हैव सम वैल्यूज, ठीक है, यहाँ पे मैंने दे दिया एम इक्वल्स टू,
तो देखो मैं रैंडम सीरीज 3 प्रिंट करूंगा तो आपको ऐसा दिखा, और सीरीज 4 प्रिंट करूंगा तो यू विल गेट विद द नेम, दैट नेम है सीरीज का, रैंडम सीरीज डेटा टाइप है। किसी भी सीरीज का नेम देखना हो, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे कल, सीरीज 4 डॉट नेम। अच्छा, सीरीज 4 के बाद कितने उसके टाइप्स आते हैं देखो, आप एक सीरीज का एब्सोल्यूट वैल्यूज निकाल सकते हो, उसमें कुछ ऐड कर सकते हो, सीरीज 4 डॉट ऐड सीरीज 5 अगर करना है, जैसे लिख दिया ऐड, प्रीफिक्स ऐड करना है, या जो भी सीरीज 3 ऐड करना है, आप रन करके यू विल गेट द वैल्यूज। ठीक है, जैसे नॉर्मल प्लस किए थे ना, तो अधिकतर वैल्यूज यू कैन गेट मोस्ट ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम हेयर इटसेल्फ, लाइक अपने ऐसा लिखा टैब लिखा, तो क्या क्या वैल्यूज आ रहे हैं, एब्सोल्यूट वैल्यूज फाइंड करो, ऐड करो, प्रीफिक्स ऐड करो, सफिक्स ऐड करो, ठीक है, अलाइन करना है ऑल, मतलब पूरे के पूरे वैल्यूज पे अगर कोई फंक्शन अप्लाई करना है तो, या एनी पे अपेंड ऐड करने अप्लाई करने फंक्शंस, कुछ आर्गुमेंट मैक्सिमम वैल्यूज, ऐसे करके बहुत सारे फंक्शंस है जो कि सारे सीरीज के फंक्शंस है। कल हमने देखा था क्या कोरिलेंस है यहाँ पे, फिर काउंट है, ठीक है, फिर क्यूमुलेटिव मैक्सिमम्स है, मिनिमम्स है, क्यूमुलेटिव सम्स भी है, डिस्क्राइब आपको स्टैटिस्टिक्स का पूरा वैल्यू देता है यहाँ पर, जैसा 50% 75% 25% किसी भी डेटा का, ठीक है, फैक्टराइज करना है, या फिल नन वैल्यूज, फिल्टर, ये सारे फंक्शंस है। IDX मैक्स होता है किसी भी इंडेक्स वैल्यू का मैक्सिमम, ये बाद में हम IPL डेटा सेट पे जाएंगे, ठीक है, डेटा फ्रेम पे, तो विल स्टडी ऑन दैट। फिर एक पर्टिकुलर सीरीज कितना मेमोरी यूज कर रहा है, तो मेमोरी यूजेज बताएगा कि कितना कितना मेमोरी यूजेज हो रहा है, कितना हो रहा है 224 bytes। ठीक है, अब इस पे आप दो इंडेक्स नहीं चाहिए तो, इंडेक्स का मेमोरी यूजेज नहीं चाहिए तो आप कैन राइट फॉल्स 32 bytes। ठीक है, क्योंकि इंडेक्स में यू हैव ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग्स, तो स्ट्रिंग्स ऑब्वियसली है क्योंकि ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं तो ज़्यादा स्पेस यूज होगा। क्लियर है, कोई डाउट्स?